नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज CBSE की एक बड़ी घोषणा, 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी प्राइवेट छात्रों की परीक्षाएं। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर से 200 किसान जाएंगे जंतर मंतर, मानसून सत्र खत्म होने तक वहीं करेंगे प्रदर्शन। बात करेंगे गुवाहाटी की, RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले, CAA से किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं। बाद इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच की, भारत को लगा एक बड़ा झटका, आवेश खान चोटिल, पूरी सीरीज से हो सकते हैं बाहर। बिहार के मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, मधेपुरा में एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, हनुमान मंदिर के महंत की गोली मारकर करी गई हत्या। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूरनपुर क्षेत्र की, जहां 20 जुलाई को सहरा में उत्तरी पुलिस दोपहर के बाद ग्राम गोरा रायपुर के सूर्या इत्यादि गांव में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने की करी गई अपील। जनपद डावा से खबर, सेवाश्रम की लगनशील कार्यकर्ता रीना यादव एडवोकेट को, सेवाश्रम प्रमुख चौधरी अमित त्रिपाठी एडवोकेट ने सेवाश्रम महिला मोर्चा जसवंत नगर का मनोनीत किया नगर अध्यक्ष। खबर राजस्थान के कोटा से, जहां राजस्व विभाग के कानून गो को रिश्वत के साथ किया गया ट्रेप, इंतकाल खुलवाने के एवज में परिवादी से की थी रिश्वत की मांग, टीम ने 4000 की रिश्वत के साथ कानून गो को रंगे हाथ दबोचा। बात झालावाड़ क्षेत्र से, जिले के गंगाधर कस्बे में सोमवार रात को घटित सांप्रदायिक घटना को सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझाइश से निस्तारण के संबंध में मंगलवार को गंगाधर पुलिस थाने में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजीव कुमार के निर्देशानुसार करी गई शांति समिति की बैठक। कोटा शहर से ही खबर, जहां राजस्थान के कोटा जिले में ग्रामीण SP ऑफिसर पर 2 दिन पहले जयपुर से आई विजिलेंस टीम ने मारा छापा, ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी की है आशंका। बगानी कस्बे से खबर, मुस्लिम समुदाय ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद उल अजहा का पर्व, R9 भारत भी देता है अपने मुस्लिम भाइयों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। रुख करेंगे सीधा झारखंड की तरफ, गढ़वा थाना क्षेत्र के कुंडी तहले नदी में अवैध बालू उठाव को लेकर हुई पुलिस और ट्रैक्टर मालिक के साथ झड़प, झड़प में 3 पर दर्ज करी गई प्राथमिकी। यूपी के फरुखाबाद से खबर, संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मृत्यु, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के अतापुर जदीद बरी का है मामला, युवक के पेट में गोली लगने से हुई है मृत्यु, ऐसी बात आई है सामने। बात करेंगे बिहार के अरवल की, भोजपुरी गाने पर बार बालाओं के डांस ठुमके का वीडियो हुआ वायरल, अरवल से यह इस वक्त की है बड़ी खबर, वीडियो वायरल पर प्रशासन कर रहा है जांच की बात। जनपद डावा से खबर, ईद उल जुहा बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में तैनात हुआ पुलिस बल, नौरंगाबाद चौराहे पर अपनी ड्यूटी पर तैनात रिक्रूट कांस्टेबल महेश प्रजापति को एक पर्स मिला जिसमें रखे थे 1530 रुपए, पर्स वापस कर दिखाई दरिया दिली। फरुखाबाद से अगली खबर, दरोगा ने की मानवता की मिसाल पेश, करंट से मरे 5 बंदरों का किया अंतिम संस्कार, शहर कोतवाली क्षेत्र के पल्ला चौकी के पास पटेल पार्क में हुई थी इन 5 बंदरों की मृत्यु। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राधा स्वामी सत्संग व्यास में लगाया गया स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप, बढ़ चढ़ कर दिखाई लोगों ने हिस्सेदारी। कुशीनगर से बड़ी खबर, बच्चों के विरोध को देखकर बैकफुट पर प्रशासन, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे SDM, बिना रजिस्ट्रेशन के ही लंबे समय से चल रहा था यह अनाथ आश्रम। बात उत्तर प्रदेश के बागपत की, जहां खेत पर ससुर और बहू के बीच जबरदस्त फाइट, बुजुर्ग ने महिला को डंडों से पीटा। पूर्व CM त्रिवेंद्र के फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर का पलटवार, देवस्थानम बोर्ड पर हुई विशेष चर्चा। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जमुई से जहां सगे भाइयों की हत्या कर शव को फेंका, झारखंड से अगवा कर वारदात को दिया है अंजाम। खबर झारखंड के मेदिनीनगर क्षेत्र से, रिसर्च एंटी करप्शन एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नामक गैर सरकारी संगठन की टीम ने गुलाबचंद प्रसाद अग्रवाल इंटर कॉलेज छतरपुर के सचिव सत्यदेव प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी की मांग करी, इस विषय पर SP चंदन सिन्हा को मांग पत्र है सौंपा। बड़ा मामला पेगासस का, जिस पर कमलनाथ की मांग, सुप्रीम कोर्ट के जज करें जासूसी की जांच। मध्य प्रदेश में उत्पीड़न की हैरान कर देने वाली एक घटना आई सामने, पति और जुठानी ने जबरदस्ती महिला को पिलाए थे हिजाब, आते जली और पेट के साथ ही पुलिस की लापरवाही पर भड़की स्वाति मालीवाल।
राजकुंद्रा के पॉर्न वीडियो से संबंधित मामला उजागर होने के बाद सुपर डांसर चैप्टर 4 में अब नहीं दिखेंगी शिल्पा शेट्टी, ऐसी करी जा रही है आशंका। उनकी जगह किसी दूसरी एक्ट्रेस को जाएगा रखा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।